अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बोलती है पब्लिक? आज आसिफ भाई सऊदी वाले जो हैं, जिनके बकरे थे हमारे पास 9 बकरे पलाई पे, तो वो आज जा रहे हैं, तो लाइव वेट भी बता देंगे और बकरे जो जा रहे हैं वो भी बता देंगे। और माशाल्लाह आसिफ भाई इतने शौकीन हैं, उन्होंने अपने बकरों के लिए लॉकेट पूरे बना के भेजे थे, तो लॉकेट पूरा पिना के हम लोग पहुँचा रहे हैं। नटवर वन ऑफ माई फेवरेट, ये जा रहा है, ये लॉकेट है इसका नटवर। जांगो ये लॉकेट है इसका, जांगो। ये है बिल्ला, ये जा रहा है। फिर यहाँ पर है मस्तान, शेरू और लकी, ये इसका भी लॉकेट पिना रहे, हो गया ना पूरा। और ये तेजा, ये गुरका है। लास्ट मोमेंट पे इसके गले में जो गांठ आई है, ट्रीटमेंट ऑलरेडी किए हुए लेकिन फोड़ नहीं सकते, तो क्योंकि जख्म अभी घर पे लेके जा रहे हैं, तो लोगों के सामने क्लैरिटी आना चाहिए। जो गांठ है ट्रीटमेंट ऑलरेडी इसका हो चुका है सब कुछ, लेकिन वो पक्के खुलेगी तभी फोड़ सकते हैं, और ऑपरेट अभी नहीं कर सकते क्योंकि कुर्बानी के लिए जा रहा है बकरा घर पे। और दूसरा ये है रावड़ी। तो ऑलमोस्ट सब बकरे जो आसिफ भाई के यहाँ पर फिट एंड फाइन खड़े हुए, जो जा रहे हैं उनके भाई भांजे आए हुए हैं लेके जाने के लिए, तो वज़न करेंगे और उनके भांजे से भी थोड़ा बात करेंगे, पहली टाइम फार्म विजिट किए हुए। अस्सलाम वालेकुम भाई, फार्म है लाइव पे? नहीं, अस्सलाम वालेकुम, वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब के लिए। जी भाई, तो आप पहली टाइम आप फार्म पे आए हो, आसिफ भाई के घर पे से पहली टाइम मेरे फार्म पे कोई आया है। जी राइट भाई। तो कोई बकरे जब से रखे हुए कोई देखने नहीं आया, वो वीडियो पे खुद ही देखते थे, वो ऑलमोस्ट कमेंट भी कर देंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जी भाई, ऐसा है मेरे मामा को हम सब भाइयों को बहुत शौक है, बट अभी मेरे मामा का कैसा जॉब है, जॉब करते हैं मदीना में, तो उनको शौक है, तो हम भाइयों के भरोसे पर करते हैं। तो लेकिन माशाल्लाह आर के गोड फार्म पे रखे है, माशाल्लाह बकरे बहुत अच्छी क्वालिटी में है, ऐसा कुछ भी 1% भी मुझे ऐसा लगा नहीं देख के कमी है। माशाल्लाह जैसा था एक्सपेक्टेशन था वैसा ही है, माशाल्लाह दिया है, और इंशाल्लाह इसको कुछ ना कुछ करेंगे, इसका देखेंगे इंशाल्लाह, अगर हुआ तो उसको आगे पलटी मारेंगे इंशाल्लाह। अभी तो घर पे लेके जा रहे हैं, बताए थे घर पे लेके जा रहे हैं, और उसके बाद में फर्स्ट टाइम आप फार्म पे विजिट किए हो, आप फार्म का पूरा टूर किए हुए हो, तो कैसा लगा आपको सेटअप, कैसा लगा? सेटअप अच्छा है, लोकेशन भी बहुत अच्छा है, क्लाइमेट के हिसाब से बकरे यहाँ पे सेट रहते हैं। जी, देखा जाए तो भिवंडी में ऐसा सुना हूँ मैंने कि लोकेशन होता है लेकिन बकरे उस टेम्परेचर को मैच नहीं कर पाते जैसा रिक्वायरमेंट, बट यहाँ पे ऐसा है सुविधा वैसा है, वहाँ का ट्रांसपोर्ट बोला जावे, यहाँ का लोग ऐसे हैं यहाँ के जो पाल रहे बकरे, तो माशाल्लाह रिजल्ट अच्छा आना ही इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट जो भी अभी अपन वजन करेंगे, और आसिफ भाई ऑलमोस्ट यूट्यूब पे मेरे को कमेंट करके भी बता देंगे क्या क्या कौन से बकरे का क्या रिजल्ट है क्या नहीं। वन ऑफ माई फेवरेट जो मेरी जान है वो आप लेके जा रहे हो नटवर को, यही पहला बकरा था जिससे हमारी शुरुआत हुई थी आसिफ भाई और हमारी, मतलब मुलाकात हुई थी, जो बकरा है बीमारी में आया था और सेट हो गया तकरीबन। तो फर्स्ट टाइम है यहाँ पे भाई, देखो तो जो एक्सपेक्टेशन था मेरे ऊपर ही एक्सपेक्टेशन की, आपने मेरे को रिजल्ट, आप खुद भी बकरे पालते हो, पलाई पे शौकीन ऐसा है कि मैं सानिन और बोर करता हूँ जी, बड़ो भी कैसे ज्यादा नहीं, एक दो है आपके जैसे नहीं है फैसल भाई, ये पूरा टूरी लेके बैठे यहाँ पे, माशाल्लाह बहुत अच्छे बकरे है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट क्वालिटी के बकरे आपके पास है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो लोगों ने चूज करके भेजे हुए पलाई के लिए, इसमें हम लोगों ने कोई भी बकरा नहीं सेल किया हुआ, उन्होंने चूज किए बकरे, हम लोगों ने ऐसा है कि एक्सेप्ट किए और रखे बकरे, अब बकरे की खुद की इम्यूनिटी हम लोग से मेहनत करते हैं, और अल्लाह ताला ने नवाजा है, जो भी है बकरे मेंटेन है। कैसा होता है ना फैसल भाई कि हम बकरे लेते हैं, हमारे पास में जगह नहीं रहती है, लेकिन हम किस पे भरोसा करते हैं कि भाई हमको हमारा बकरे को वो रिजल्ट पे लाते दे, इंशाल्लाह कुछ क्वालिटी के रहते हैं, कुछ नॉन क्वालिटी के बकरे आते हैं, उस हिसाब से रिसेलिंग होती है, परचेस होता है। तो यहाँ पे जितने भी सब बकरे खड़े हैं माशाल्लाह एक्सट्रीम क्वालिटी के बकरे हैं, और वैसा रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। इंशाल्लाह मेरे मामा जो है जिनके बकरे हैं वो इंशाल्लाह सेटिस्फाइड, मैं ऑलरेडी हमेशा देखते रहते हैं और बहुत मोटिवेट करते रहते हैं मेरे को, ऐसा नहीं है कि वो बाहर बैठे हुए तो नहीं है, उनको जब भी वीडियो चाहिए वीडियो मिल जाते, हर वीक हर मंथली में जो आप वीडियो बना के भेजते हो जी,
चाहे वो जेंगो है, कटवर हो, बिल्ला हो, तेजा हो, मेरे को पूछते हैं कि क्या है, सही है आर के गोडफॉर्म? मैंने बोला आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? तो बोले मेरे को तो सेटिस्फाइड, मैंने बोला सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि देखो एक बकरा रखना तो एक बहाना है लोगों के साथ में ना, मतलब लोगों का शौक बढ़ाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लोगों का शौक बढ़ जाए तो वो हमारी ये पूरी उम्मीद रहती है और अल्लाह ताला उस पर उसके ऊपर हमारे को खरा उतारे, तो हम लोगों की यही कोशिश है। देखते आगे चल के फ्यूचर में हम लोग ईमानदारी से जिस तरीके से काम कर रहे और ईमानदारी से काम करें और लोगों को ट्रांसपेरेंसी है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने लेके आए। जी भाई बेशक बेशक, इंशाल्लाह मैं भी ईद बाद इंशाल्लाह आपके पास मेरा एक सागन छोड़ूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा है, इंशाल्लाह लोकेशन मेरे को बहुत अच्छा लगा तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके पास रखेंगे इंशाल्लाह उसका भी रिजल्ट देखेंगे। और तुम्हारे मामा बहुत ज़्यादा अच्छे शौकीन है, उन्होंने सऊदी से लॉकेट बना के भेजे थे बकरों के लिए जो उनका एक भाई स्पेशल भाई उनको शौक आया। ये सब मेरे कजिन्स भाई बड़े उनको देख के मुझे शौक आया तो मतलब ये तो ब्लड लाइन में हमारे, अभी भी उनका ही कॉल आ रहा है कि भाई बकरे कैसे है सब बताने के लिए। इंशाल्लाह मैं अभी वजन भी करते हैं बकरों का वन बाई वन, इंशाल्लाह तो वन बाई वन बकरे को लेके जाते हैं और सबका वजन करा देते हैं। ये उनके साथ में आए, किसी को भी टेम्पो की जरूरत पड़े तो इनको कांटेक्ट करें। एक एक बकरे करके ले लो, चलो वजन पे लेके आ उसको। ये काटा जीरो है, अब पहला बकरा जो आ रहा है ये आ रहा है लकी। नहीं नहीं वीडियो बना रहा हूँ। हाँ यार मुश्किल नहीं, एक मिनट रुको। सगीर फटाफट लेके आ, एक एक साथ में। पहला जो गया है ना लकी वो 40 केजी पे है, दूसरा शेरू गया हुआ है 43.50 और मस्तान जो गया हुआ है 48.50। शमशाद यूट्यूब पे जाइए। एक मिनट ये खाली बकरे वेट कर रहे हैं ना, गाड़ी से निकाल लो। हाँ निकाल लो। समझा खाना बना रहे हो क्या? अब वो बकरा एक लेके आए उसको बांधने का। ये जीरो है, तेजा नाम का बकरा आ रहा है। पैर फूट, ये एक्सट्रीम लेवल ऑफ गोड पॉक्स में आया था बकरा और फिर बाद में रिकवरी करने के बाद में एक में हाथ आता तो वजन ज़्यादा बचा। KG पे तेजा 74 KG। ये जीरो है, गुरखा है, ये .50 गोरखा। देखिए जीरो जांगो, माशा 73.50। ये जीरो है, बिल्ला आ रहा है आसिफ भाई का, जाने चमचा इधर आ, इधर आ जा।
69.5। बेटा रुक जा थोड़ा। इधर खड़े हुए भाई, देख रहे नहीं तो लोग बोलेंगे भाई वजन में झोल कर रहे। ये जीरो है, राउडी आ रहा है आसिफ भाई का। चलो चलो, फिफ्टी टू केजी है। ये जीरो लास्ट एंड फाइनल, वन ऑफ माय फेवरेट नटवर, हमेशा याद रहेगा ये बकरा। एक्यूरेसी भी वैसा ही है, 70 केजी है। आया था सबको इसकी हिस्ट्री मालूम है, सब है, पता जा रहा है माशाल्लाह, हेल्थी में, अच्छे हेल्थ में जा रहा है, फिट एंड फाइन में, एग्रेसिव 70 केजी के ऊपर। चलो इसके साथ में ही साइनिंग ऑफ करेंगे। क्या हो गया? सब लोडेड है अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, गरीबों की मदद करना भूलना नहीं, अपने अम्मी अब्बा का फरमा बता बनो, ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाओ, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, पॉल्यूशन फ्री इंडिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।